कधीपासून मागे जातो काय झालं काय छे फसले बाते केवढा खराब आहे चहा तो आपने चाय ही मांगी थी आइस टी थोड़ी मांगी थी चाय गर्म ही होती है ना और आप गाई-गाई में क्यों पी रहे हो चाय थोड़ा फूंक मार के पीजिए ना शांति से वो कळलं सॉरी रिएक्ट किया मैंने गलती हो गई और गाई-गाई में इसलिए पी रहा था माधवी क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है अरे आज होली का दहन है ना तो अरे तो क्या तो होली का दहन के लिए लकड़े मंगवाने हैं हाँ फिर पूजा की सामग्री मंगवानी है रंग मंगवाने हैं फिर गुलाल पिचकारी खास करके पानी का टैंकर बहुत सारा काम बाकी है माधवी अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो सब सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे चल ये तो नहीं कब आओ हाँ 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 जेठालाल बोलो और मेहता साहब कैसी चल रही है होली की तैयारी काय की तैयारी यार काम में फंसा पड़ा हूँ आज एक दिन बॉस ने इतना काम दिया है कि पूछो मत अरे भाई काम को मारो गोली आ गेली ले लिए होली आज होली दहन का प्रोग्राम है सोसाइटी में याद है ना भाई टाइम पे आ जाना जेठालाल तुम टाइम पे आने की बात कर रहे हो इतना काम है कि मुझे लगता है कि आज तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा और अगर आज ये काम पूरा नहीं किया ना जेठालाल तो हो सकता है कल के दिन करना पड़े तो कल होली भी नहीं खेल पाऊँ अरे नहीं भाई जितना काम है खत्म कर लो भाई कल कोई बहाना नहीं चलेगा हाँ। कल तो आपको आना ही पड़ेगा कल जम के होली खेलनी है खत्म करो चलो आज का सारा काम खत्म कर दो ओके ओके कल होली है कल बबीता जी और सबके साथ मजा आ जाएगा होली खेलने का I'm ready चलो बबीता कितना लेट I'm so sorry मुझे इयररिंग्स नहीं मिल रहे थे अरे सब लोग नीचे होली का दर्शन के लिए आ गए होंगे पर मेरे को वो जेठालाल के जैसा लेट नहीं होना I know I'm so sorry लेकिन बबीता जस्ट प्रे हाँ कि मेरे को साइंस के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का फोन आ जाए अरे ऑफ कोर्स आई प्रे कि तुम्हें जल्द से जल्द फोन आ जाए अब चले हाँ चलो दादाजी हाँ दादाजी मैं रेडी हूँ हाँ शाबाश बेटा दादाजी पापा तो तैयार नहीं हुए देख ना अरे जेठिया चल भाई कितनी देर आ गया बापू जी आ गया रेड अरे ये क्या थाली दया आ गई राजकोट से इतनी जल्दी बहू राजकोट से कैसे आएगी वो तो होली के बाद आने वाली है ना तो फिर ये थाली किसने तैयार की अपने आप हो गई मैंने थाली तैयार की मुझे आपने क्यों तैयार की मुझे बोला होता मैं तैयार कर देता हैं हाँ चल खुद को तैयार होने में कितना टाइम लगाता है तो थाली कब तैयार करता तू मुझे थाली तैयार करने के लिए बोलता ना तो सबसे पहले तो तू सोचता ये थाली कहाँ रखी होगी फिर पूरे किचन में ढूंढता फिर धानी ढूंढता फिर चौका ढूंढता लेकिन उसमें से तुझे कुछ मिलता तो नहीं फिर तू बहू को राजकोट फोन करता फिर उसे पूछता ये कहाँ रखा है ना वो कहाँ रखा है ना और जब तक तू थाली तैयार करता ना भाई तब तक तो होली दहन क्या धुलेटी भी खत्म हो जाती धुलेटी थोड़ा ज्यादा हो गया होली दहन शायद चल चला वे होली दहन के लिए लेट हो रहा है हाँ ले मैं थाली ले लेता हूँ तब्बू ले ले तू खाली चल जल्दी हाँ चले 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 माधवी सोनू कहाँ पर है बस का है सुबह से कोई मिला नहीं क्या सोनू कहाँ गई है आप लोगों को पता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है हो कि नहीं मजाक कर रहे हैं मेरे साथ नहीं नहीं माधवी आंटी मैं सच में नहीं पता सोनू कहाँ पर है हाँ खरच हाँ रह गया होगा वो एग्जाम है ना अभी उसकी तो पढ़ाई करने उसके फ्रेंड के यहाँ गई है अच्छा अच्छा मुझे लगा मजाक कर रहे हैं वो हमेशा ये लीजिए सोनू का मैसेज है बिना पता ही रही नहीं सकती और बबीता जी कल होली खेलने के लिए तैयार मैं तो तैयार हूँ आप अपना बताइए अरे मैं तो पूरा साल इंतजार करता हूँ कि कब होली आए और कब मैं मतलब हम सब मिलकर होली खेले क्या जयराम होली खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। अरे होली मेरा फेवरेट त्योहार है। अच्छा चलो बबीता, वो होली दहन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। हाँ। अरे सुनिए सुनिए जेठालाल अय्यर, बबीता जी, सोडी भाई, आ जाइए, होली का दहन का समय हो गया। कपूसन आ जाओ। ये होलिका दहन के लगते हैं ना, ये बहुत शुभकारी होती है। अगर होलिका की परिक्रमा करते हुए दिल से कोई इच्छा करो ना, तो वो इच्छा पूरी होती ही है। थैंक यू माधवी भाभी। मुझे भी यकीन है कि होलिका दहन की ये मंगलकारी लपटे मेरे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। पक्का पूरी करेंगी। पिछले साल पोपटलाल ने मना कर दिया था होली खेलने से। उसके पहले कुछ और हुआ था। हर साल कोई ना कोई टेंशन होता ही था, लेकिन अच्छा इस साल कोई टेंशन नहीं है। इस साल हम जम के होली खेल पाएंगे। आज इस बार तो जम के धमाल करेंगे। एक मिनट, मैं आता है। हेलो हेलो मिस्टर कृष्णन अय्यर, एक गुड न्यूज है तुम्हारी। हाँ हाँ सर, साइंस के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे देश को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर थैंक यू सो मच। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यू रियली डिजर्व इट। और हमारी यही इच्छा है कि इस कॉन्फ्रेंस में तुम हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करोगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। गुड लक, जाने की तैयारी करो। थैंक यू। बबीता बबीता कम कम। यार भाई कब से बातें कर रहे थे? किसका फोन था? जेठालाल, मेरे ऑफिस से बहुत इम्पोर्टेंट फोन आया था। क्या अय्यर भाई, आज होली दहन के दिन भी ऑफिस से फोन? हाँ भाई, त्योहार वाले दिन तो जरा काम को साइड में रखो और एंजॉय करो। थोड़ी मेरे बॉस ने एक बहुत खुश खबर देने के लिए मेरे को फोन किया था। अरे वाह, क्या हुआ अय्यर? बबीता, जिसका मैं वेट कर रहा था ना, वो फोन आ गया। मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। ओह रियली? हाँ। क्या खुशखबरी है भाई, हम सबको भी बताओ। चेन्नई में साइंस का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहां पर वर्ल्ड का बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आएगा। मैं वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पता नहीं मैं मेरी वाली अच्छी खबर कब सुनाऊंगा सबको। अरे क्या पोपटलाल अय्यर भाई, इतनी अच्छी खुशखबरी सुना रहे, उसके बीच में तुम अपना दुखड़ा कहाँ रो रहे हो भाई? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे मत कहो भाई, ऐसे ही कहने की ना तो ये जगह है ना समय। तुमने क्यों सुना भाई? मैं तो होलिका माता से प्रार्थना कर रहा था। मैं उनकी ओर से ही बोल रहा हूँ। वैसे माधवी भाभी, आपकी बात एकदम सही थी। ये होलिका दहन की लपटे सच में मंगलकारी है। प्रदक्षिणा करते अय्यर भाई ने कितनी अच्छी खबर सुनाई। अय्यर बेटा, दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने हमारे देश का नाम ऊंचा करना है। यस चाचा जी, मैं उन सबको दिखा देना चाहता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा देश कितना आगे है। बबीता जी, इस बात के लिए पार्टी तो बनती है। Of course, it calls for celebrations, yes. पक्का जेठालाल, मेरे आने के बाद पार्टी पक्का। अय्यर अंकल, we are very proud of you. Thank you. 3 cheers for अय्यर अंकल. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Thank you. बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे फिर से बॉस का फोन। हाँ मिस्टर कृष्णन अय्यर। हाँ यस सर। मुझे तुम्हारे कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो अलग अलग फॉर्म्स पर लगाने के लिए टोटली 8 फोटोग्राफ चाहिए। अभी तो मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है। लास्ट 2 फोटो जो मेरे पास बचे थे वो मैंने कॉन्फ्रेंस का एप्लीकेशन में लगा दिया। देखो अय्यर, अगर फॉर्म्स पर तुम्हारे फोटोग्राफ नहीं लगे तो फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ? और तुम्हारा जाना कैंसिल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी फोटो खिंचवा लेता हूँ। ओके, डू व्हाटएवर यू कैन। लेटेस्ट मुझे तुम्हारे फोटोग्राफ कल दोपहर तक चाहिए, और अगर नहीं मिले तो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस में जाना कैंसिल करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने फोटोग्राफ आपको भिजवा देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। क्या हो गया? बोलता हूँ। आताराम, तुम सकाराम का चाबी लाए हो ना? हाँ है, क्यों? अर्जेंट फोटो खिंचाने जाना है। सकाराम का? अरे सकाराम का नहीं, मेरा फोटो खिंचाने जाना है। लेकिन अय्यर अंकल, इस वक्त कोई स्टूडियो खुला नहीं होगा। हाँ और कल धुड़ाटी है तो कल भी सब स्टूडियो बंद होंगे, आपका फोटो भी परसों ही होगा। नहीं नहीं जेठालाल, कल मेरे को किसी भी हालत में फोटोग्राफ खिंचवाना पड़ेंगे, वो भी 8, नहीं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा। अरे नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे लेकिन एक फोटो की वजह से कैसे सब कैंसिल हो सकता है यार भाई? हो सकता है जेठालाल, हो सकता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, और फॉर्म में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अभी के अभी चलते हैं, कोई ना कोई स्टूडियो तो खुला मिलेगा ही। अभी जाने का कोई मतलब नहीं है अय्यर भाई, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कोई फोटो स्टूडियो खुला होगा। नहीं नहीं, कोई खुला नहीं होगा। अरे ये सब क्या हो गया बबीता, अब क्या होगा? अय्यर भाई निराश मत होइए, माताजी से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ओ तेरी, ओ मैं टिंचू को कैसे भूल सकता हूँ यार। अय्यर, उनका आंधी कोई लोड नहीं, और समझ तेरा काम हो गया। क्या क्या जरूरी, जल्दी बताओ प्लीज। वो मेरा दोस्त है टिंचू, और वो फोटोग्राफर है, और तेरी अर्जेंट में फोटोग्राफ खींच देगा। क्या बात है जोड़ी, तूने तो मेरे को बचा लिया। हाँ सॉरी भाई, आप जरा अपने फ्रेंड को अभी के भी फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ जी, अभी कर रहा हूँ जी। ओ सॉरी भाई, की हाल है? और टिंजू यारा सत श्री अकाल। बढ़िया फसला, तू दस सब चंगा? ओ बाजी ऐश ही ऐश है, हमारी याद कैसे आ गई आज? ओ यार मेरा दोस्त है अय्यर, अर्जेंटली उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींचनी है यार। हाँ हाँ खींच देंगे, बताओ कब खींचनी है? ओ अभी अभी बाजी, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? मैंने एक्चुअली पुणे आया हूँ, कल आऊंगा बॉम्बे, तो कल दुलेटी खेलेंगे मिलके, परसों खींच दूंगा। ओ नहीं नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत अर्जेंसी है। ओ भाई आपके लिए कुछ भी, कल दोपहर को दुलेटी खेलते हैं, तो वाके उसके बाद आपकी दोस्त की फोटो खींच देंगे, जितनी कॉपियाँ बोलोगे उतनी निकाल देंगे। ओ थैंक यू सो मच। ठीक है, रब रब। ओ अय्यर यारा। हाँ सॉरी। ओ घबराने उन लोड नहीं, तेरा काम हो जाएगा। और टिंचू अभी पुणे में है, वो कल आ जाएगा, कल दोपहर तक तेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींच जाएगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम। बबीता अभी मेरा टेंशन दूर हुआ। बस बबीता जी, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना, अभी तो जम के होली खेलेंगे ना हम लोग। हाँ बिल्कुल खेलेंगे, जम के खेलेंगे, धमाल करेंगे। होली है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, मैं होली नहीं खेलेगा। क्यों? क्यों? नहीं क्या है, कोई ऐसा वैसा रंग लग गया और वो नहीं उतरा, तो मेरा कल दोपहर में फोटो खिंचाना बहुत जरूरी है। अरे पर ऐसा वैसा कलर कैसे लग सकता है आपके चेहरे पे यार भाई? हम लोग तो गोकुलधाम सोसाइटी में वो नेचुरल कलर से होली खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल अय्यर, अपने सोसाइटी का नियम है भाई, अगर होली खेलनी है तो सिर्फ नैसर्गिक रंगों के साथ ही। मैं जानता हूँ आत्माराम, लेकिन सॉरी, मैं होली खेलना नहीं चाहता। बबीता मैं रहते का होली तुम खेलना। हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। नहीं आयर, अगर तुम होली नहीं खेलोगे तो मैं भी होली नहीं खेलना चाहती हूँ। अरे बबीता तुम कैसा बात करता है, मेरी वजह से तुम होली क्यों नहीं खेल रहा है? हाँ आयर, अगर तुम होली नहीं खेलोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी दूंगी और हम दोनों ही होली नहीं खेलेंगे। अरे बबीता जी, आयर भाई आपको ऐसा करना ही नहीं है। क्यों करना है? भिड़े ने बोला ना, हमारी सोसाइटी में हम लोग नेचुरल कलर से ही होली खेलते हैं। हाँ पिछली बार मैं भी वो मिलावटी रंगों की वजह से डर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो देखो देखो, है ना है ना। हाँ तो नेचुरल कलर्स आसानी से उतर जाते हैं। आप दोनों दिल खोल के होली खेलिए, कुछ नहीं होगा। नहीं देखिए आप लोग हमको ऐसा फोर्स मत कीजिए। बबीता मैं क्या बोलता हूँ, हाँ? हम लोग एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। नहीं आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई होली के दिन आप दोनों कहीं बाहर जाओ, अच्छा लगेगा। हैं बापूजी? नहीं नहीं, आप यहीं रहेंगे और हमारे साथ होली खेलेंगे बस। हाँ हाँ देखो जेठालाल, ये कॉन्फ्रेंस में जाना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ। यार भाई लेकिन इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। बोला ना भिड़े ना, सब बोल रहे कि हमारी सोसाइटी में हम नेचुरल कलर से होली खेलते हैं। भाई मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, आपको होली खेलनी पड़ेगी बस। आप सब लोग मेरा बात को समझने का कोशिश करो। चाचा जी आप भी समझाइए ना। देखो ये अय्यर के लिए बहुत बड़ा मौका है, इसलिए अगर वो होली खेलना नहीं चाहता तो कोई भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करे। तो बापूजी देखिए मैंने कहा ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे। और हाँ बबीता बेटा, अय्यर तुम दोनों को सोसाइटी छोड़ के कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें रंग नहीं लगाए। थैंक यू चाचा जी। थैंक यू चाचा जी। फ्रेंड्स हम लोग क्लब हाउस जाते हैं और कल होली खेलने का प्लानिंग करते हैं, और सबसे मेन खाने पीने का प्लानिंग करते हैं। चलो बाय एवरीबॉडी, कल मिलते हैं होली के लिए। ओके बाय, गुड नाइट। चलो बबीता हम भी चलते हैं। हाँ ओके ओके, बाय एवरीवन, हैप्पी होली टू यू। क्या बबीता जी हैप्पी होली। आप और अय्यर भाई तो होली खेलने वाले हैं नहीं, फिर हमारी होली हैप्पी कैसे हो सकती है? इस बार की हमारी होली तो कलर टीवी की जगह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसी होगी। मैं तो कहता हूँ बबीता जी, अय्यर भाई अभी भी सोच लीजिए, प्लीज प्लीज खेलिए ना होली हमारे साथ प्लीज। देखिए बापू जी। ओके थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। चलो बबीता। हाँ ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सॉरी, वो चिंटू को याद दिला देना फोटो का। वो चिंटू नहीं, टिंचू। टिंचू उसको याद दिलाना है। यार देखिए तू भी, अरे उनको होली नहीं खेलनी है तो क्यों दबाव डाल रहा था? ऐसे कैसे बापूजी, मजा आता है सब साथ में होता। ओ यारो बबीता जी और अय्यर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो हैं, हम सब मिलके खेलेंगे होली। गोकुलधाम कंपाउंड में मिलके रंगों से आप लोग के साथ साथ पूरी सोसाइटी को रंग देंगे, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे और खूब धूम मचाएंगे। और कोई बुरा मान जाए तो उसे कहेंगे बुरा ना मानो, होली है होली है। बबीता जी के बगैर क्या होली खेलेंगे? मित्रों होली खेलने के लिए बेताब बेसब्र और पूरी तरह से उत्साहित जेठालाल पर जैसे गाज गिर गई। भाई उतने उत्साह का आईना चूर चूर हो गया, क्योंकि बबीता जी जिनके साथ होली खेलने के लिए बड़े ही बेसब्र थे, वो बबीता जी होली नहीं खेल रही हैं, और कारण है अय्यर भाई जो पक्के रंगों के डर से होली नहीं खेल रहे। तो क्या होगा? क्या इस बार बबीता जी और अय्यर भाई होली नहीं खेलेंगे गोकुलधाम में? और क्या जेठालाल ऐसा होने देंगे? क्या वो इन लोगों को मना पाएंगे? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा रंगों भरा और हंसी भरा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.